अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए मैं लाई हूँ वॉल डेकोर और टेबल डेकोर दोनों साथ में। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया। हाँ जी, तो पहला प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक ब्लैक कैनवस, और आप वाइट ले लें, उस पर ब्लैक पेंट कर लें। ग्लू स्टिक्स चाहिए, प्लेट चाहिए और कुछ कलर्स चाहिए, वाइट और गोल्डन कलर का। तो हमने सबसे पहले प्लेट रखी कैनवस पे, और हम जस्ट मेक श्योर कि चारों तरफ से एक ही तरह का डिस्टेंस हो, को आगे पीछे ना हो, टेढ़ा ना हो, ये सर्कल जो है वो बीच में ही हो। तो अब हमने सर्कल का सेंटर निकाल लेना है, और हमने इस पे पिज़्ज़ा के स्लाइसेस की तरह कट कर लेना है। कट तो नहीं करना, खैर हमने लाइनें लगानी है। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। अब हमने ग्लू गन लिया, और ग्लू गन से हम इसको जो हमने लाइन्स बनाई हैं उसको ट्रेस कर रहे हैं। तो जब ये हो जाएगा पूरा, चारों तरफ से सही से हो जाएंगी सारी लाइन, तो मैं उनको बीच में फिल करना शुरू कर दूँगी। तो मैं फिल जो कर रही हूँ वो अपनी मर्ज़ी से, टेढ़े मेढ़े पैटर्न्स जो भी मुझे समझ में आ रहे हैं मैं वो करी जा रही हूँ। कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं था मेरे दिमाग में, बस मैं ज़िगज़ैग लाइंस और ये सारे पैटर्न बना जा रही हूँ। तो ये हमारे हो गया पैटर्न पूरा। तो इसके ऊपर हम अब उंडेल लेंगे वाइट कलर, और उसको हम वाइट कलर कर देंगे। तो हम इस पर वाइट कलर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत डार्क है। हम इसके ऊपर कोई और कलर करेंगे तो वो नज़र नहीं आएगा, वो लुक नहीं आएगा। तो हम वाइट को एज अ बेस यूज़ करते हैं। जब ये सूख जाएगा पूरा, तो ये हो, इस पर हम गोल्डन कलर करेंगे। अब देखिए गोल्डन वाइट पे प्रोमिनेंट हो रहा है। जब हम इसको ब्लैक पे करते तो वो सिर्फ शाइन मारता, लेकिन वो सही से काम नहीं करता। तो अब जब ये ब्लैक गोल्डन कलर सूख गया, तो मैं ब्लैक कलर को पानी में थोड़ा मिक्स करके, डिल्यूट करके इसके ऊपर मैं पेंट कर रही हूँ। वो पानी में क्यों मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही थिक कलर होता है, उससे ये गोल्डन कलर पूरा छुप जाएगा। जब मैं इसको पानी में डिल्यूट करके करूँगी तो ये बिल्कुल पतला सा होगा, और नीचे से हमारा जो गोल्डन शेड है वो नज़र आएगा। तो उससे हमारा रस्टी और जो एंटीक किस्म का लुक होता है वो क्रिएट हो जाएगा इससे। तो जब ये डन हो जाएगा तो मैं इसके पूरे राउंड में भी ब्लैक कलर कर लूँगी, ताकि फिनिशिंग लुक आए बिल्कुल बराबर से चारों तरफ से। तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत है। तो चलिए ये होने लगा है कंप्लीट। मैं आखिरी टच दे रही हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत गोल्डन शाइनिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक, और ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया, बहुत ईजीली क्रिएट हो गया, और वॉल पे बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलते हैं नंबर टू की तरफ। नंबर टू के लिए आपको चाहिए ग्लास बॉटल्स, या आपको कहीं से भी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप कराची से हैं तो बॉटल मार्केट बेहतरीन जगह है, वहाँ से सस्ते में और अच्छे में मिल जाती हैं। तो मैंने एक टेप ली, टेप से मैं अब यहाँ पे डिज़ाइंस या पैटर्न्स बनाऊंगी अपनी मर्ज़ी के, जो भी समझ में आ रहे हैं, जिस तरह आपके दिमाग में आप बना सकते हैं। मुझे भी जो समझ में आ रहा है मैं बनाती जा रही हूँ इसमें। हाँ जी, तो ये मैंने कर लिया है कंप्लीट। मैंने तीन बॉटल्स पे अलग अलग पैटर्न्स बनाए हैं, और फिर मैंने कर दिया गोल्डन इस पर ये। तो अब आ गए पीलिंग की बारी। तो अब हम टेप सारी उतार देंगे यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये स्प्रे पेंट जो है वो बॉटल से आराम से निकल सकता है। तो बहुत ही आराम से और ध्यान से करना है। तो यहाँ पर मैं आराम और ध्यान से ही कर रही हूँ, बस ये फास्ट फॉरवर्ड पर लगा है, वो तो आपको शायद नज़र ना आए। जब हमने टेप उतार ली तो इस कुछ इस तरह से आई, और मैंने मार्कर से थोड़ा सा आउटलाइन और ये भी कर लिया था। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।